शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा ब्रेकिंग धान घोटाले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। जी हां, अनिल विज का बयान सामने आया है, कहा है कि प्रदेश में कोई धान घोटाला नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री का पलटवार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इस पर अनिल विज का एक पलटवार आया है। उन्होंने बयान दिया है कि हुड्डा का एक पैर कोर्ट में है और एक पैर घोटाले में है। तो धान घोटाले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में धान घोटाला हुआ ही नहीं है। क्या कहा है अनिल विज ने, सुनिए। कोई घोटाला हुआ ही नहीं, हुड्डा को तो दिन रात घोटाले ही याद आते हैं, क्योंकि 10 साल घोटाले की है और एक पैर कोर्ट में होता है, एक पैर थाने में होता है, इसलिए उसको तो घोटालों के सपने आते हैं। कौन सा घोटाला हुआ? कोई घोटाला नहीं हुआ। उनका कहना है कि सर दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है और जांच करा रहे हैं, इसकी सरकार के दो जो पार्टियां हैं उनके अंदर बीच में समन्वय की कमी है। कोई घोटाला नहीं हुआ। तो बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था उस पर अनिल विज का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुड्डा का एक पैर तो कोर्ट में है और दूसरा पैर घोटाले में है, उन्हें दिन रात घोटाले के ही सपने आते हैं, लेकिन कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो धान घोटाले पर गृह मंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई धान घोटाला नहीं हुआ। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बयान दिया था धान घोटाले पर, उन्होंने कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इस पर गृह मंत्री अनिल विज का एक पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा को घोटाले के ही सपने दिखते हैं क्योंकि 10 साल घोटाले ही किए हैं, ऐसा अनिल विज का कहना है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा का एक पैर कोर्ट में है और एक पैर घोटाले में है। तो प्रदेश में कोई धान घोटाला नहीं हुआ, अनिल विज ने यह कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज का यह पलटवार सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हुड्डा को घोटाले के ही सपने दिखते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह भी बयान दिया है कि हुड्डा का एक पैर कोर्ट में है, एक पैर घोटाले में है। उन्होंने यह भी कहा है कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाले किए हैं, इसलिए उनको दिन रात घोटाले के सपने ही दिखते हैं।